नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से। मेरे पास सोनी का टीवी आया है, तो आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है। देखिए, मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गया, सोनी लिखा हुआ आ गया इसके, ये ऑन कर दिया इसको। ये इसमें ये भी लिखा हुआ आ गया। कुछ भी देर बाद देखिए डबल इमेज का फॉल्ट बन रहा है, इसमें डबल इमेज आ रही। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही बीच में और डबल इमेज भी आ रही है, इसमें दो चित्र दिख रहे हैं आपको, देखिए अलग से। तो ये इस प्रकार से ये फॉल्ट बन रहा है। ये फॉल्ट कैसे बनता है और कहाँ से बनता है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप गौर से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मैं बताते हैं, ये मॉडल नंबर है KLV32EX313। ये इसका मॉडल नंबर है टीवी का। ये डबल इमेज का फॉल्ट है जो इसमें बढ़ रहा है। तो ये फॉल्ट जो है अधिकांश पैनल का बनता है, ये फॉल्ट पैनल में ही होता है। देखिए पैनल पे किसी ने यहाँ पर काम किया है, मैं सबसे पहले खुल के आपको यही दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा पिक्चर हिल रही है इसमें, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर फॉल्ट दिख रहा है, गम दिखा है लगा है। देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए ये टीकॉन बोर्ड है, स्कॉलर बोर्ड है, इसमें ये टीकॉन आईसी लगी हुई, टाइमिंग कंट्रोल आईसी, इसी से ये सिग्नल्स निकलते हैं। ये प्रोसेसर है एक प्रकार से, तो यहाँ से ये सिग्नल्स निकलते हैं, CP1 CP2 और इनेबल सिग्नल STB सिग्नल। और इसको काम करने के लिए 3.3 वोल्ट ए वोल्टेज अपने स्कैनर ड्राइवर और लीवर शिफ्टर आते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक बैक लाइट ड्राइवर और ये यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है, किसी ने लगाया हुआ है अलग से। पहले इसका जो मदरबोर्ड होगा वो खराब हो गया होगा, इसलिए चेंज किया होगा। तो सबसे पहले मैं इसको साफ करूँगा। तो मैं अभी आपको बताया था कि ये जो स्क्रीन ड्राइवर जो होता है, लोअर सेक्टर जो होता है, इसमें से 5 प्रकार के सिग्नल्स निकलते हैं। उसको काम करने के लिए VGL और VGH सिग्नल्स दिए वोल्टेज दिए जाते हैं। देखिए मैंने इसकी गन को साफ किया, ये टैग दिख रहा है आपको, ये जो है CKV1 और CKV1 और CKV2 और CKV2 STV पॉइंट हैं ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं। इनको कट करने की कोशिश की है परंतु शायद क्लियर कट नहीं हुआ है, अभी देखते हैं। पहले इसको चालू करके भी देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये साफ करने के बाद। तो ये जो मैंने अभी जो आपको बताया, ये सिग्नल जो होते हैं 5 प्रकार के, ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पैनल गेट सिग्नल पिंस नेम, ये चार्ट में आपको बता रहा हूँ कि सैमसंग और LG के अलग अलग नाम से इस पिनों के नाम देते हैं। जैसे कि सैमसंग CKV1 CKV2 CKV3, उसके बाद CKV1 CKV2 CKV3, उसके बाद जैसे LG है, LG पैनल के गेट जो सिग्नल होते हैं वो उसके नाम कुछ अलग होते हैं, जैसे HC1 HC2 HC3 HT4 HC5 HC6। इस प्रकार से और भी कई कंपनियां पैनल बनाती हैं जो अलग अलग प्रकार के नाम दे सकती हैं। ये जो सिग्नल्स जो हैं LG और सैमसंग में जो इस प्रकार के सिग्नल्स दिए जाते हैं, ये डबल इमेज के लिए है। यदि ये सिग्नल्स यदि कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यदि डबल इमेज आ रही है, तो इन सिग्नलों को काट दिया जाता है। कहाँ से काटना है ये भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। देखिए मैं ये काट रहा हूँ इन सिग्नल्स को, सही ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ आपको। मैंने अभी आपको बताया कि एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। देखिए काट लिया मैंने, अब इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब देखिए ये पूर्णतः अच्छी तरीके से कट गया है, पहले से कटा हुआ था मगर सही ढंग से नहीं कटा हुआ था, फिर काट लो मैंने। अब देखते हैं कि फॉल्ट
ठीक हो गया कि नहीं, यदि नहीं होगा तो फिर दूसरे साइड के पॉइंटों को काटेंगे, वो वाले टैग काट के देखेंगे, देखते हैं इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए बैकलाइट ऑन हो गई इसी, अब पलट के देखते हैं, ये सोनी लिखा तो आ गया, ये आ गया, ये क्लियर दिखने लगा। देखिए इसका मतलब ये फॉल्ट यहीं का था, परंतु सही ढंग से कटिंग नहीं हुई थी, ये मैंने सही ढंग से कटिंग कर दी, ये पिक्चर क्लियर आ गई है। तो ऐसे होता है कई बार कि सही ढंग से ना काट पाने के कारण ये फॉल्ट हो गया हो। आप लोग भी हिसाब से काटें, यदि हिसाब से काटेंगे तो कभी ये दोबारा ये फॉल्ट नहीं आएगा, आएगा तो दूसरी साइड से आएगा, उसको भी चेक करें। ये फॉल्ट अधिकतर शॉर्टिंग का होता है, यदि पैनल में कहीं शॉर्टिंग हो जाती है तब ये फॉल्ट होने लगता है। तो इसके एक एक टैग काटने से पता लगता है कि किस टैग की शॉर्टिंग है, इसमें नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।